हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CSL कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहां पर जो ये नोटिफिकेशन इनवाइट की गई है वो है आपके अप्रेंटिसशिप के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड का जो ये फॉर्म है ये आप फिल कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स, जो अप्रेंटिसशिप होता है ये आपकी परमानेंट जॉब भी नहीं होती है, अप्रेंटिसशिप एक ट्रेनिंग होती है। अगर आप अप्रेंटिसशिप करने के लिए एप्लीकेबल हैं, चाहते हैं अप्रेंटिसशिप करना, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, ये 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और यहाँ पर फ्रेंड्स, जो कैटेगरी फर्स्ट है जो कि टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए है, जिसमें फ्रेंड्स डिसिप्लिन आपको यहाँ पर 5 दिए गए हैं, जिसमें नंबर ऑफ सीट्स आप यहाँ देख सकते हैं। और जो स्टिपेंड है वो आपको पर महीने आपको 9,000 रुपये मिलेगा। इसके बाद फ्रेंड्स, सेकेंड जो कैटेगरी है वो ट्रेड अप्रेंटिसशिप की है। और आप यहाँ पर जो डिसिप्लिन है वो 15 डिसिप्लिन यहाँ पर दिए गए हैं, नंबर ऑफ सीट्स आपको यहाँ दी गई हैं, और स्टिपेंड पर मंथ आपको कितना मिलने वाला है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। इसके बाद फ्रेंड्स, नीचे है इसके मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेक्शन। तो टेक्नीशियन पोस्ट के लिए फ्रेंड्स, पास होना आपका जरूरी है वोकेशनल हायर सेकेंडरी एजुकेशन में, कंसर्न वोकेशन में, जो भी कंसर्न या आपका डिसिप्लिन रहेगा उसमें आपका यहाँ पर हायर सेकेंडरी एजुकेशन पास होना जरूरी है। कैटेगरी 2 जो कि ट्रेड अप्रेंटिसशिप की है, इसमें फ्रेंड्स आपका ITI पास होना जरूरी है कंसर्न ट्रेड में जो भी आपको दी गई है। और जो सर्टिफिकेट या प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC है, वो फ्रेंड्स जो भी आपका डेजिग्नेटेड ट्रेड है वो फ्रेंड्स यहां पर अप्रूव्ड होना चाहिए गवर्नमेंट का। इसके बाद एज क्राइटेरिया अप्रेंटिसशिप रूल के अकॉर्डिंग जो भी रहता है वो आपका यहां पर एप्लीकेबल रहेगा। रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज आपके SC ST OBC EWS के लिए रहती हैं। मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड भी आपको कंप्लीट करना होगा। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग फ्रेंड्स यहां पर आपको स्टार्टिंग में ही दी गई है, 1 साल की आपकी रहेगी। इसके बाद फ्रेंड्स, यहां पर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर ले तो ओनली कैंडिडेट जो कि डोमिनशियल है केरला, वो फ्रेंड्स यहां पर अप्लाई करेंगे। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को परसेंटेज ऑफ मार्क्स, जो भी फ्रेंड्स उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, और उसके बाद ही फ्रेंड्स उनका इनमें सिलेक्शन होगा। इसके बाद आपकी कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। कैसे आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो shipyardcoachingshipyard.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आप जाएंगे और वहां पर जाकर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 15 जुलाई 2020 से 4 अगस्त 2020 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और ऑनलाइन आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जिसमें फ्रेंड्स आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये आपको अपलोड करने हैं। और यहां पर फ्रेंड्स, जो आप अप्लाई करेंगे उसके बाद आपको एक सॉफ्ट कॉपी या प्रिंटआउट अपने पास संभाल कर रखना होगा जो भी आप अप्लाई करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, जो भी आपके कॉल लेटर्स हैं वो फ्रेंड्स आपको सिर्फ ऑनलाइन ही मोड में अवेलेबल रहेंगे। तो आप आराम से इसकी जो कोचिंग शिपयार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर डिटेल को चेक कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया, 15/7/2020 से 4/8/2020 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसकी जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और देखते रहिए A24 नॉलेज एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।